हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो व्लॉग पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा संडे स्पेशल होने वाला है। अभी तो हम जा रहे हैं, हमारे दोस्त है, मैं हूँ, तीन चार लोग हमारे दोस्त है तो उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको लोकेशन नहीं बताने वाला हूँ, कौन सी लोकेशन है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ओके मेरे भाई, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा रहे, सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पर व्लॉग से रिलेटेड एंड मोटिवेशन वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप जैसे हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वैसे ही हमारे वीडियो को, इस वीडियो को भी सपोर्ट करना, काफ़ी अपना प्यार बरसा देना, और कमेंट में ज़रूर लिख के जाना आप कहाँ से हो और कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़, और हमारे वीडियो को फुल वॉच करना, काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। मिल क्यूटी भाग रही है, भाग रही। हाय गाइस, तो हम निकल चुके हैं हमारे लोकेशन की तरफ। तो प्लीज आपको सब कुछ बेहतरीन नजारा दिखाने वाले हैं। आज मैं हूँ यहाँ पे उज्जैन है, और हमारे तीन दोस्त पीछे आ रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहना, अभी आपको दिखाने वाले आगे का लोकेशन। दोस्तों, यहाँ पे हमें यह पता था कि रास्ता बन गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे रास्ता नहीं बना है, इसलिए पानी है, पानी के उस पार जाना है हमको। हेलो भाई, मैं सोरेन किया। कैसे हो भाई? बढ़िया। अच्छा अच्छा, रास्ता नहीं बना है ना इधर? यहाँ पे नहीं, वहाँ पर रोड बन गया है भाई, तो वहाँ से, लेकिन यहाँ से इस पार को करना पड़ेगा ना, इसको पार करना पड़ेगा भाई। अभी दोस्तों उस पार जाना है हमको, देखो वहाँ से रास्ता बना है, वहाँ पे रास्ता बना है। काफी पानी यहाँ पे है, आ चुका है थोड़ा, तो शायद जो यहाँ के इस शहर वाले हैं उसको पता चल चुका होगा कि हम किस लोकेशन पे जा रहे हैं। तो प्लीज अभी कमेंट ना करें, लास्ट में करना अगर आपको पता है तो, क्योंकि जो महुआ के यहाँ पे हमारे शहर के बाहर के होते हैं उसे यह लोकेशन का नहीं पता है, इसलिए सस्पेंड रखा है, और आपके लिए भी सस्पेंड रखा है। तो अभी तक उस लोकेशन पे हम पहुंचे नहीं है, लेकिन आपको बस ऐसा थोड़ा सा जरिया महसूस हुआ होगा क्योंकि उस लोकेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी तालाब आ चुके हैं। शायद आपको दिमाग में ये लाइट हो चुकी होगी कि वो लोकेशन पे शायद जा रहे हो। तो अभी फाइनली हम तो वहाँ पे ही बताएंगे आपको जो लोकेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ पे, तभी इसीलिए सस्पेंड रखा है। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट करना ना भूले मेरे भाई, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दे। अभी उस लोकेशन पे जा रहे है, हमारे भाई रेडी है, गाड़ी चालू की है, अभी ट्राई करेंगे गाड़ी के लिए, फिर हम लोग जा रहे है, तो अभी ट्राई कर रहे हैं, तो देखते रहे वीडियो। एक गाड़ी तो उस पार चली गई है, वो वाली गाड़ी। अभी हम जा रहे हैं उस नए रास्ते से, जो पुराना रास्ता है हाईवे रोड से, तो उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो प्लीज आप बने रहिए, अभी उस रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो प्लीज आप बने रहिए, वीडियो आपको मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। तो उज्जैन भाई ने अभी फिलहाल गाड़ी को चालू किया, हम लोग बैठ के जा रहे हैं उस रास्ते पे। तो फाइनली गाइस, हम जो रोड था उसको टच कर चुके हैं, अभी यहाँ से नया रास्ता, नया तो नहीं है बट पुराना है, अभी इसको कवर करेंगे, और रास्ते में आपको पूरा दिखाई देगा रास्ता है यहाँ से, काफी मेरे वीडियो में रास्ता आ चुका है तो आपको शायद पता चल। अभी यहाँ पे बचे 4:45, निकलने आज काफी लेट हो गया है, लेकिन अभी हम दिखाने वाले हैं सब रास्ते।
पे हम पहुंचने वाले हैं बस अभी 5 बजे तकरीबन। तो यहाँ से काफी दूर है लेकिन इतना ज्यादा भी दूर नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। अभी 5 बजे वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे। यहाँ पर भी अभी पत्थर डाल दिए हैं, ये पीछे वाला जो रास्ता था उसको भी पत्थर डाल दिए हैं। यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही है अभी जाने में, ये शायद बारिश के कारण यहाँ पे पत्थर डाले हैं। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काटियापीर दरगाह पे, क्योंकि आपको पता है मैं यूनिक व्लॉग लाता हूँ, शायद यूट्यूब में नहीं होते हैं वो व्लॉग लाता हूँ, आपको शायद पता होगा। तो यूट्यूब में ये भी वीडियो नहीं था काटियापीर का, इसलिए मैंने सोचा चलो हम आज काटियापीर का व्लॉग बना देते हैं। तो दोस्तों हम लोग आए हैं यहाँ पे काटियापीर पे, अभी आपको दिखाने वाले हैं, अंदर जाने वाले हैं। तो अभी वो बंदे आए, उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम अंदर जाने वाले हैं, तो प्लीज़ वेट करिए आप। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मज़ार है काटियापीर बापू की। तो अभी अंदर आपको दिखाने वाला है, बस आप वेट कर लीजिए थोड़ा, वो बंदे आते हैं उसको भी लेते हैं फिर अंदर जाते हैं। तो प्लीज़ आप वेट करिए, वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी महुआ वाले आप कॉमेंट करके बता दो कि यही लोकेशन था, क्योंकि हम वहाँ से जो नदी से शूटिंग किया था शायद आपको तो पता चल गया होगा, और जो बाहर के उसको कभी पता नहीं चल पाया होगा, मतलब उसको तो थोड़ी पता होता है बाहर के होते हैं इसको, मतलब हमारी वीडियो बांग्लादेश से देखी जाती है, पाकिस्तान से देखी जाती है। यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखा दूँगा कहाँ से अलग अलग कंट्री से देखते हैं लोग। तो अभी उसका वेट करते हैं, लोग आ गए हैं शायद, यहाँ पे वही है आ चुके हैं हमारे भाई। कितना वेट किया भाई आपके लिए, कितना वेट किया, कितना वेट किया। सफी साहब आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ बताओ। बहुत बुरा हुआ था। बुरा क्या हुआ आप बताइए हमें भाई, बताओ बताओ। हमारे चलिए दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं अंदर का लोकेशन। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है, और जो बोल सकते हैं गेबनशाह वली की भी दरगाह है, और काटियापीर बापू की भी दरगाह है, दोनों आपको शेयर करने वाले आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ हमें बता देना, अभी दिखाते हैं। और अंदर आने का गेट है ये, और यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये पानी पीने का है, फिर यहाँ लोग रह रहे हैं कुछ भी है। तो अभी अंदर जाते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि काफ़ी बाहर के लोग होते हैं, उनको शायद पता नहीं होता है कि अल्लाह के वली जो बोल सकते हैं इस ऐसी ऐसी जगह पे आए हैं कुर्बानी दे के, तो वो शायद उसको नहीं पता होता जो यहाँ पे जंगल टाइप की लोकेशन है वहाँ में अंदर है। तो इसलिए आपको शेयर कर दी आज। सभी भाई हमारे पानी लेके आए हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। अभी हम सूज को निकाल देते हैं यहाँ पे बाहर, फिर अंदर का लोकेशन देने वाले। पहले दोनों वली को हमारा सलाम है, फिर यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पे। चलो तो गाइस यहाँ पे दो मजार है, एक तो है गेबनशाह वली की और दूसरी है काटियापीर बाप की। तो यहाँ पे दो मज़ार है, तो वो दो मज़ार को आप के जो बोलते हैं पास में नहीं लिया है, दूर से ही दिखाया है कि कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए पास से नहीं लिया, दूर से लिया है। तो मैं हो सके तो आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके मेरे भाई। दोस्तों ये है गेबनशाह वली, देख सकते हैं यहाँ पे दरगाह है। फिर ये है कब्रिस्तान, दोस्तों ये है दरगाह का पीछे का लोकेशन, जो यहाँ से बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं आप।
तो गाइस आपको यहाँ पे मज़ार जो थी वो तो नहीं दिखा पाया, आई एम सॉरी, बट वो नहीं दिखा सकता, दूर से जितना हो सका उतना मैंने दिखा दिया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे तो ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी मेरे दोस्त है, अब यहाँ पे शायद असर की नमाज भी यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, माशाल्लाह दरगाह है यहाँ पे काफ़ी पुरानी है, इतने सालों से है दरगाह, यहाँ पे वजू खाना भी है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, पी रहे हैं पानी लाए हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के करम से यहाँ पे हुक्म हुआ होगा तो इसलिए हम यहाँ पे दरगाह का व्लॉग बनाने के लिए आ चुके हैं, बाकी हमारी कोई ताकत ऐसी है नहीं कि हम ऐसा व्लॉग बना सके। तो ठीक है, अभी आपको कैसा व्लॉग लगा वो बताना, काफ़ी मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी है लेकिन वो यहाँ पे आराम कर रहे हैं, फिर लोग हमें नमाज पढ़ने, ए मिस्राम असन ने नमाज पढ़वी इसने, तो टाइम होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम शांत वाला माहौल है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं है कि अल्लाह के वली है इसलिए तो सब रिस्पेक्ट करनी पड़ती है इसलिए। तो प्लीज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे जो भी हमारे साथ होता है वो आपको शेयर करेगी, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं दरगाह के बाहर की लोकेशन पे, अभी हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे जो हमने पहले आपको शायद दिखाया था, उस लोकेशन पे शूटिंग किया था और वीडियो बनाए थे, उस लोकेशन पे जा रहे हैं तो आपको दिखाने वाले अभी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना मेरे भाई। अभी दरगाह को निकल चुके हैं बाहर और वहाँ पे लोग मेरी राह देख रहे हैं शायद, देखो। तो गाइस मैं और अब पैदल जा रहे हैं यहाँ से, तो प्लांटेशन है ना यहाँ महुआ का, उसका पहला गेट है वो भवानी जा रहे हैं ना, भवानी बीच वाला वहां से आता है और ये लास्ट वाला है पीछे वाला। गाइस ये है वो लोकेशन और ये है वो जगह पे जहाँ सांप जो घोड़ा था और हमने उस पे फोटो खींचे थे, घोड़ा नहीं थी क्या वहां वक्त, अभी वो लोग देखे वहां पर शूटिंग चालू है उन लोगों का, काफी बढ़िया लोकेशन, आप आ सकते हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे। चलो अभी मुझे भी शूटिंग करना है फोटो लगाने, तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको भी कोई लोकेशन ध्यान में है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, उस लोकेशन पे आए हैं और लोकेशन से अभी हम जा रहे हैं हमारे घर पे, तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, एंड आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है तो मुझे कमेंट में शेयर करना क्योंकि मैं भी वीडियो बना सकूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखो, जय हिंद जय भारत।